What do all rich women have in common? Ladies, सोचो इस बारे में, क्या एक ऐसी चीज है जो आपको सब रिच वुमेन में देखने को मिलेगी? Let me make it easy for you. हम यहाँ पे उनके expensive clothes की बात नहीं कर रहे, luxury cars की बात नहीं कर रहे, designer handbags की बात नहीं कर रहे. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं common चीज़ जो सब में देखने को मिलेगी, वो है उनकी money habits. उनकी मनी हैबिट्स हेल्दी हैं, तभी वो वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पाई हैं, उसको मेंटेन कर रही हैं. और तभी आज के एपिसोड में हम इन्हीं 7 हैबिट्स की बात करेंगे जो आपको भी हेल्प करेंगी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में. नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो भी आज के एपिसोड में मैं चीज़ें बोलूँगी मेरे एक्सपीरियंस पे और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. सो थोड़े टाइम पहले ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो एक शो है उसके विनर को 5 करोड़ रुपीस मिले, बट थोड़े टाइम बाद वो सारा मनी उन्होंने लूज कर दिया, सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की या गलत जगहों पे यूज़ किया. ऐसे ही मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जिनमें किसी ने लॉटरी जीती बट वो सारा मनी जो है लूज कर दिया, गलत जगहों पर लगा दिया. ऐसे बहुत सारे केसेस हम रोज़ सुनते हैं. कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक इंसान 10 रुपये से 10 करोड़ बना लेता है, वहीं एक इंसान 10 करोड़ से 10 रुपये कर देता है? ये सब है हमारे माइंडसेट की वजह से, हमारी मनी हैबिट्स की वजह से. अगर हम इन 2 चीज़ों पे ध्यान दें तो हम हर चीज़ बदल सकते हैं. सो आज के एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, हेल्दी मनी माइंडसेट. लेडीज़, इस चैनल पे मैंने कई बार माइंडसेट के बारे में, हीलिंग के बारे में बात की है और आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी. मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको अपना बेटर वर्जन बनना है, हील योरसेल्फ. अच्छा पार्टनर चाहिए, हील योरसेल्फ. और आज यहाँ पे भी अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुँचना है, हील योरसेल्फ. आपको अपना जो रिलेशनशिप है ना मनी के साथ, उसको हील करना ज़रूरी है, तभी आप अपने गोल्स तक पहुँच पाओगे. ये चीज़ ना मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड और मैंने बचपन में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज देखे हैं, जिसकी वजह से मेरी हैबिट्स भी, मेरा माइंडसेट भी ठीक नहीं था, मेरा रिलेशनशिप सही नहीं था मनी के साथ. जैसे जब मैंने अर्न करना शुरू किया, जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मनी हर चीज़ पे स्पेंड करती रहती थी. मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि बचपन से कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था. लगता था मनी जो है उसको स्पेंड कर दो, अच्छे से कपड़े ले लो या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ. जो मनी होता था मैं स्पेंड कर देती थी क्योंकि बचपन में ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी. बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा रिलेशनशिप जो मनी के साथ है वो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, और इसको हील करना ज़रूरी है. क्योंकि हमने ये रिलेशनशिप हील नहीं किया ना, तो हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो मैंने उस चीज़ पे काम किया. और आप लोगों का भी अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है मनी के साथ, तो उसको हील करना ज़रूरी है. अब बात करते हैं कुछ साइंस की जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपका रिलेशनशिप मनी के साथ ठीक नहीं है. सो पॉइंट नंबर 1, आप बहुत केयरलेसली मनी को स्पेंड करते हो, या फिर आपको मनी को स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है. कहीं पे करने का मनी नहीं करता, लगता है मनी को स्पेंड ही ना करूं, या फिर बिना देखे स्पेंड कर देते हो. दोनों ही केसेस में आपका रिलेशनशिप मनी के साथ ठीक नहीं है. दूसरी चीज़, आपको लगता है जब मनी होगा ना तभी मैं हैप्पी हो पाऊंगी, अदरवाइज मैं हैप्पी नहीं हो सकती. तीसरी चीज़, आप बोलते रहते हो मुझे कभी रिच नहीं होना, या फिर आप एक्सक्यूजेस बनाते रहते हो, मैं रिच इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके एक्सक्यूजेस बनाते हो, या फिर आप रिच लोगों को हेट करते हो या सस्पिशियस होते रहते हो, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए. ये कुछ साइंस हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि ओके, मेरा रिलेशनशिप मनी के साथ ठीक नहीं है. एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इसमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में कि ठीक है यार, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसको हील करना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. सोचो हमारा जो ये रिलेशनशिप होता है ना मनी के साथ, एक दिन में डेवलप नहीं होता. जो हम चीज़ें देखते हैं वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है. हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे सिर्फ आइज़, नोज़, ये फीचर्स ही इनहेरिट नहीं करते, कई बार जो उनकी हैबिट्स होती है ना वो भी हमारे अंदर पास ऑन हो जाती है. सो अगर मनी को लेके उनकी हैबिट्स कुछ ठीक नहीं थी, आप भी आगे वही फॉलो करते जाओगे अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे. सो आइडेंटिफाई करो कि क्या आपकी गलत हैबिट्स हैं और उनको फिर ठीक करने की कोशिश करो. नंबर 2, लिव बिलो देयर मीन्स. इसका क्या मतलब है? रिच वीमेन जितना कमाती हैं उससे कम स्पेंड करती हैं.
हम लोग कई बार क्या करने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ को हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते उसको लेने की कोशिश करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या लोन के थ्रू। बट ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सोचो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब हमें लोन को पे करना होता है, हमें एंजाइटी होती है कि हमें इसको पे करना है, पता नहीं पैसे निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। सो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। रिच वुमेन तब तक लोन नहीं लेती जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि ओके, जिस चीज़ पे मैं ये लोन कर रही हूँ वो चीज़ मुझे आगे भी पैसा बना के दे सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर आप लोन ले सकते हो, बट अगर किसी चीज़ की वैल्यू घटती जाएगी और आप उस पर लोन ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार लेना चाहते हो, वो कार जिसको आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आप वो ख़रीद रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है ये मार्केट में नहीं आई है या सबके पास ये कार है, मुझे ये कार लेनी है, वो कार की वैल्यू शोरूम से निकलते ही कम हो जाएगी और आप उसका लोन पे करते रहोगे वो चीज़ का जिसको आप एक्चुअल में अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, राइट? सो वो एक सही ऑप्शन नहीं होगा। सो सिंपल सी एक चीज़ करो, जब भी आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो अपने आप से पूछो कि ये क्या चीज़ मुझे एक्चुअल में चाहिए या मैं बस चाहती हूँ उसको, ये आपकी वॉन्ट है या नीड है, आस्क योरसेल्फ। दूसरी चीज़, अपने आप को लोगों से कंपेयर मत करो, ये मत सोचो उसके पास ये वाला डिज़ाइनर हैंडबैग है मुझे भी चाहिए, उसने वो हैंडबैग कैसे लिया, वो कितने कमाती है साल के, आप कितना कमाते हो। अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करो, सीधा सीधा ये मत सोचो उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। नाउ नंबर 3, सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। रिच वुमेन का सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं होता, काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं। सोचो अगर आपको एक ग्लास जो है ऑरेंज जूस पीना है, उसके लिए आपको काफ़ी सारे ऑरेंजेस चाहिए होंगे, राइट? सिर्फ एक ऑरेंज से काम नहीं बनेगा। ऐसे ही आप अगर अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपको काफ़ी सारे सोर्सेज चाहिए होंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस की, हर एक काम का अपनी लिमिटेशन होती है, राइट? सोचो अगर मैं एक 9 to 5 जॉब करती हूँ, उसमें लिमिटेशन ये है कि जब तक मैं फिज़िकली प्रेजेंट हूँ तब तक पैसे बनेंगे, जब मैं वहाँ से निकल गई पैसे नहीं बनेंगे, उतनी ही सैलरी मिलेगी। बट अगर मैंने कुछ एक अपना बिजनेस बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी एक बुक लिख दी, अब वो बुक मैं सो रही हूँ तब भी कोई ख़रीद रहा है, तो मैंने एक मनी मेकिंग मशीन बना दी है अपने लिए कि अगर मैं सो भी रही हूँ मेरे पैसे आ रहे हैं, मेरा जो है सेल हो रही है बुक्स। सो हमें क्या करना है, कोशिश करना है सही जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करने की, कोशिश करना है सेवरल स्ट्रीम्स बनाने की अपनी इनकम की। अगर आपका एक बिज़नेस सेट हो गया तो कोशिश करो कि अगर आपको कहीं और इंटरेस्ट है तो वहाँ पर आप साइड हसल करना शुरू करो, कहीं और पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो। नाउ नंबर 4, रिच वुमेन नेवर चेज मनी। रिच वुमेन पैसों के पीछे नहीं भागती, बल्कि वो खुद एक मैग्नेट की तरह काम करती है जिनकी तरफ खुद पैसे पुल हो जाते हैं। नाउ ये कैसे होता है, सोचो आपने अपनी स्किल्स पे काम किया, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हो, लोग आपके पास खुद आएंगे, सक्सेस आपके पास खुद आएगी, क्योंकि आप जो है वैल्यू ऐड कर रहे हो उनकी लाइफ में। मेरी लाइफ का एग्जांपल है, जब मैं मास्टर्स कर रही थी उस टाइम पे मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया कि ओके मैं फिटनेस ट्रेनर बनना चाहती हूँ। सो उस टाइम पे लोगों के बहुत ज़्यादा ओपिनियन थे उस चीज़ को लेके कि फ़िटनेस ट्रेनर बहुत कम पैसे कमाते हैं, महीने में 5-10 हज़ार रुपये कमाते हैं लोकल जिम्स में, सो इतनी पढ़ाई करके तुझे फ़िटनेस ट्रेनर क्यों बनना है। एंड ट्रस्ट मी, जब पहली बार मैं इंटरव्यू देने गई वहाँ पर मैं बहुत सारे ट्रेनर से मिली, सो कई जो थे बहुत सीनियर लेवल पे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक घंटे में 5-10 हज़ार रुपये भी कमा लेते हैं। सो कोई भी आप फील्ड में हो, अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो लोग आपके पीछे आएंगे, आपको उसके लिए पैसा देंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, जितनी आप वैल्यू ऐड करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। नंबर 5, रिच वुमेन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स। ज़्यादातर जो एवरेज लोग होते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, महीने बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा, बट जो रिच लोग होते हैं वो बहुत ही स्मार्टली लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 5 साल बाद क्या हो सकता है, 10 साल बाद क्या हो सकता है, और उसी हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, सोचो जब भी मार्केट डाउन होती है बहुत ज़्यादा, जब रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा डाउन है, क्रिप्टो मार्केट डाउन है, हर कोई मार्केट से दूर भाग रहा होता है, ओके सब कुछ बहुत डाउन चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, कब मार्केट ऊपर उठेगी, किसी को आइडिया नहीं होता, सब दूर जा रहे होते हैं, बट रिच लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ उस टाइम पे सेल पे मिल रही होती है, बहुत कम प्राइस पे मिल रही होती है, वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि ओके ये बाद में उठ ही जाएगा। सो लॉन्ग टर्म का हमें भी सोचना सीखना है, अगर हम चाहते हैं अपने गोल्स तक पहुंचना, अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचना,
कुछ भी आप खरीद रहे हो उसका लॉन्ग टर्म में सोचने की कोशिश करो, एक्चुअल में चाहिए नहीं चाहिए, क्या ये सही है लेना नहीं है सही लेना, ये इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, अपने आप से क्वेश्चन करो और सही आंसर के हिसाब से डिसीजंस लो। नंबर 6, रिच वुमेन सेव देयर मनी। यहाँ पे मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली याद है। एक बार मैं अपनी जॉब पे थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने पहली बार 1 लाख कमाए थे। सो मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ खड़ी हुई थी और मैं उससे एक लाइन बोल रही थी जो मैं क्लियरली बताती हूँ। मैं उसको बोल रही थी, ओके यार, मुझे नहीं पता था पैसे कमाना इतना ईजी है क्योंकि मैंने पहली बार 1 लाख कमाए थे। सो मैं हैप्पी थी और मैं ये सोच रही थी कि ओके, बचपन में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है मनी को लेके, बट पैसे कमाना कितना ईजी होता है। और मैं उसे ही डिस्कस कर रही थी यार कि मुझे नहीं पता था ये टास्क कितना ईजी है। अब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, 6 महीने बाद मैंने अपनी जॉब चेंज करी। एंड जब मैंने जॉब चेंज करी, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे पास पैसे होते थे, जो भी मैं कमाती थी, मैं सब कुछ उड़ा देती थी, अपने क्लोथ्स पे, मेकअप पे, फूड पे, कार पे, सब पैसे ख़त्म हो गए उस टाइम पे। एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, मैंने सब कुछ उड़ा दिया। सो टाइम को चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। आप वो मिस्टेक्स मत करो जो मैंने करी है। सो जब भी आपके पास कुछ पैसे हैं, कोशिश करो आप उसमें से कुछ अमाउंट सेव कर पाओ, क्योंकि वही अमाउंट आपको हेल्प करेगा जब आप प्रॉब्लम में होगे। सो आपके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। नाउ लास्ट वन, रिच वुमेन इन्वेस्ट करती हैं अपनी हेल्थ में, अपनी एजुकेशन में। ये चीज़ हम सबको पता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? जब हम हेल्दी नहीं होते, हम किसी भी चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाते, भले ही वो हमारी लग्जरी कार्स हो, एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो, किसी भी चीज़ में हमें कुछ भी करने में मज़ा नहीं आता जब हम हेल्दी नहीं होते। रिच वुमेन तभी अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखती है, अनहेल्दी फूड हो गया, जंक फूड हो गया, उसको अवॉइड करती है, अल्कोहल को, सिगरेट्स को, क्योंकि सोचो अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है ना, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुँच पाओ। सोचो आप पूरे टाइम अल्कोहल कंज्यूम करते रहते हो, सिगरेट्स पीते रहते हो, आप उतना स्मार्टली सोच ही नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर पूरे टाइम जंक फूड खाते रहते हो, आप हेल्दी नहीं रहोगे, ठीक है? ओवरऑल कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम चलती रहेगी, सो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। सो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, हमें अपनी एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, उसमें भी इन्वेस्ट करना है, चीज़ों को सीखते रहना है। कितने सारे लोगों से आपने ये चीज़ सुनी होगी कि ओके, मैं ये वर्कशॉप करके आई, मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, या मैंने ये कोर्स किया, जबकि आप देखोगे कि वो एक्चुअल में अभी भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो ये क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, जो भी नई चीज़ मार्केट में आ रही है वो सीखना चाहते हैं, ताकि वो पीछे ना रह जाए, वो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहें। सो ये चीज़ भी हमें करनी है। कोई चीज़ आपको लगता है इसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, उसको सीखने की कोशिश करो, अपने आप को देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उससे बेटर बनने की कोशिश करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।